आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम टैली को यूज कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारा यूज सिखाऊंगा। जैसे कि अगर आप सबसे पहले कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, कैसे हम चेंज करेंगे और चीजें, जैसे मान लीजिए अगर कंपनी में कोई गलती हो गई तो कहाँ से चेंज करेंगे, कंपनी को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, कंपनी बनानी है तो कैसे बनाएंगे, उसके बाद पहली एंट्री किस वाउचर में पास करेंगे, रिसिप्ट में पास करेंगे, उसके बाद फिर परचेज करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर सेल्स करेंगे तो कैसे करेंगे, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद से हम लोग सेल्स के बाद रिसीव करते हैं जो पॉइंट, उसको रिसीविंग कैसे करेंगे, उधार कैसे परचेज करेंगे, कैश कैसे परचेज करेंगे, सेल कैसे उधार करेंगे, कैश कैसे उधार करेंगे, तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जीएसटी भी देखेंगे कि कैसे जीएसटी लगाएंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इस चीज को, क्योंकि मैक्सिमम टैली के पॉइंट्स इसमें क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक और जीएसटी आती है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी तो सेम स्टेट के लिए लगता है, इसके बाद आईजीएसटी डिफरेंट स्टेट के लिए लगता है, और यूटी जीएसटी एक ऐसी जीएसटी होती है जो बहुत कम बताई जाती है, तो आज के इस वीडियो में यूटी जीएसटी भी डिस्कस कर लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले देखिए ये टैली ईआरपी 9 है। आप चाहे प्राइम यूज कीजिए या ईआरपी 9, दोनों लगभग बराबर ही है। ठीक है, तो अगर प्राइम यूज करेंगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा, ईआरपी 9 में थोड़ा कठिन रहता है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। अब देखिए हमारा डेटा कहाँ पे सेव हुआ, सी के यूजर्स में पब्लिक नाम का एक फोल्डर है, उसमें टैली ईआरपी 9 नाम का फोल्डर है और उसमें डाटा नाम का फोल्डर है, वहीं पर ये सारी चीजें सेव होंगी। ठीक है, अब यहाँ कंपनी का नाम दे देते हैं। ठीक है, न्यू लाइट कंपनी कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया न्यू लाइट कंपनी, ये नाम दे दिया हमने। अब यहाँ पर एड्रेस आता है, मेलिंग नेम तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं हम, तो ये न्यू कॉलोनी देवरिया कर दिया एड्रेस, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कंट्री आपकी जो भी हो वो चूज कर लीजिएगा, जैसे हमारी इंडिया है तो हम इंडिया चूज करेंगे, और यहाँ पे यू प्रेस करेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और यहाँ से फिर पिन कोड वगैरह डाल करके इस तरीके से एंटर करके और फिर यहाँ पर आएंगे। जब यहाँ पे आएंगे तो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2023 से ही शुरू होगा। भाई 1 अप्रैल से ही हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, लेकिन काम हमारा कब से शुरू हुआ वो डेट यहाँ पे डालना है। चाहे तो टैली के लिए वॉल्ट पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं वॉल्ट पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया, चलिए वीक ही सही, लेकिन हो तो गया, ये 1 हो गया। अब एंटर करेंगे, अब यहाँ पर भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिलहाल यही करके एंटर करेंगे। देखिए हमारा पासवर्ड थोड़ा वीक है, लेकिन चलिए अभी हमने पासवर्ड लगाना आपको बता दिया। अब ये हमने कंपनी बना ली, तो जब कंपनी बना लेंगे तो ये पूछेगा वॉल्ट पासवर्ड आपने क्या डाला था, तो वो वॉल्ट पासवर्ड आपको याद रखना होगा, भूलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये वॉल्ट, अब देखिए ये कंपनी ओपन हो गई, साइट में कंपनी बन गई है। ठीक है, अब जो कंपनी बन जाए तो कंपनी में अगर कुछ गलत हो जाए तो उसको चेंजेस कहां से करेंगे, ये सवाल उठता है। तो आपको यहां पर देखिए, अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे होते तो आपको ये नहीं करना पड़ता, लेकिन ईआरपी 9 यूज कर रहे हैं तो अल्ट के साथ क्या प्रेस करना है, F3, और यहां पर मिलता है आपको अल्टर, तो यहां पर जाकर के कंपनी में जो भी चेंजेस है यहां से कर सकते हैं। फिलहाल हमारा सब कुछ सही है, तो यहां पर हम कंट्रोल ए कर देते हैं, ये एक्सेप्ट हो जाएगा और यहां पे बाहर आ जाएंगे एस्केप बटन प्रेस करके। एस्केप बटन कहां होता है, ऊपर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर ESC का बटन होता है, वही इसके बटन है, और यहां से बाहर आ जाएंगे, ये बाहर आ गए। अब यहां पर पहली एंट्री पास करने के लिए चलना है आपको, तो यहां ये टैली की मेन मेन्यू है, यहीं पर पहली एंट्री पास होगी, वी बटन प्रेस करके आ जाएंगे यहां बाउचर में। तो बाउचर में आने के बाद क्या करना है, अब हमें चलना है कौन से बाउचर में, हमें चलना है रिसिप्ट बाउचर में, क्योंकि कंपनी में फंड है नहीं और बिना फंड के कंपनी स्टार्ट नहीं होगी, तो F6 प्रेस करके हम कहां आ जाएंगे, रिसिप्ट बाउचर में। अब देखिए ये तो है सिंगल एंट्री मोड, आप चाहे तो इसे डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे पता ये सिंगल एंट्री मोड है, क्योंकि यहां पर कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंगल एंट्री मोड है। ठीक है, तो अब इसको डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां से आपको एक कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी, F12 प्रेस करते ही आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए सिंगल एंट्री मोड एक्टिवेट है, तो यहाँ पर इसको नो कर दीजिएगा और बाकी डेबिट क्रेडिट को यस कर दीजिएगा, तो यहां से डेबिट क्रेडिट भी आने लगेगा। आ गया डेबिट क्रेडिट, DRCR आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहां पर अल्ट सी करके एक लेजर बनाना है। लेजर बनाने का काम आप गेटवे ऑफ टैली से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए यहीं से बना लेते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज कर लेते हैं। अल्ट सी प्रेस करना है और यहां पर कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है, तो ये कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बन जाएगा,
एंटर करेंगे और इसका ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, बाकी चीजें ऐसे छोड़ देंगे। यहां पर चाहे तो ओनर का नाम डाल सकते हैं, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, जो भी इसके ओनर हैं, तो यहां पे मिस्टर राम कर देता हूं, ठीक है। और यहां पे एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा, तो जो भी इस कंपनी का एड्रेस रहा हो वो एड्रेस डाल देते हैं। ये हो गया एंटर किया और बाकी सारी डिटेल, बैंक की डिटेल, पैन कार्ड डिटेल वगैरह भर लीजिएगा। और यहाँ पर वो अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर क्रेडिट आने लगा, ऐसे स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर DR प्रेस कीजिएगा ना, तो यहाँ DR आ जाएगा। और फिर ये पैसे कैसे लगाए जा रहे हैं, तो कैश में दिए जा रहे हैं कि बैंक से दिए जा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। बैंक से दिए जाएंगे तो एक अल्ट सी करके बैंक का लेजर बना लीजिएगा और उसमें पैसा पहले रिसीव कराइएगा, तब आप दे पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं कैश कर देता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से ये आकर के हो गया। यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, ठीक है। नरेशन में क्या डाला जाएगा, जो आप कर रहे हैं वही नरेशन में डालेंगे। बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम कितना रुपए है, 5 लाख, ठीक है, ये डाल दीजिएगा। तो फिलहाल इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एक्सेप्ट हो गया, जब तक लास्ट तक एंटर 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 नहीं करेंगे तब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर दूसरी एंट्री करनी है, तो अब हम चलेंगे परचेज में, तो कुछ खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे, तो F9 प्रेस करके परचेज में चलना है, तो ये आ गया F9 प्रेस करके परचेज में। अब यहाँ पर सप्लायर, अब देखिए जो बिल आपको सप्लायर से मिलेगा वो बिल नंबर यहाँ पे डाला जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सामान आप घर पे बनाते हैं, टॉफी बिस्कुट सब आपके घर पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कहीं से परचेज करके लाते होंगे फिर आप सेल करेंगे, तो उन दोनों के बीच में जो आपको प्रॉफिट आएगा, जो बढ़ा के दाम बेचने से प्रॉफिट आएगा, तो वो आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर सप्लायर का बिल नंबर जो है, मान लीजिए इनवॉइस नंबर जो है ये 677 है और यहाँ पर वो डेट जिस डेट पर होगी परचेजिंग, ठीक है। यहाँ पर आप कैश कर सकते हो, कब कैश करोगे, जबकि आप कैश में सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पे कैश का लेजर आ जाएगा और कैश का लेजर बनता नहीं है टैली प्राइम में या ERP 9 में, ठीक है। तो यहाँ पे कैश लगा सकते हैं हम, लेकिन अभी क्या करना है, अभी हम उधार की परचेजिंग करेंगे, ठीक है। चाहे तो कैश कर दीजिए, ये कैश करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये कैश कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक काम और हमें करना है इससे भी पहले क्या करना है जरा देखिएगा। यहां से F11 प्रेस करके GST चालू करना है, GST तो हमने चालू किया नहीं, तो F11 प्रेस करिए और यहाँ पे इन्वेंट्री, ये देखिए ये इन्वेंट्री फीचर पे आके टैक्सेशन पे हमें जाना है, स्टेटरी एंड टैक्सेशन, ये देखिए यहां पर आना है और यहां से GST के ऑप्शन को यस करना है, यहां से भी यस करना है और एंटर एंटर करके यहाँ पर आप अपना GSTIN डाल सकते हैं, जो भी आपका GSTIN रहा हो वो आप डाल दीजिएगा और यहाँ पे एंटर कीजिएगा और यहाँ पर टैक्स रेट जो है यहाँ पर ये करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे दो ही टैक्स दिख रहा है, एक इंटीग्रेटेड टैक्स और दूसरा सेस टैक्स। तो हमको क्या करना है, पूरा दिखाई दे इसके लिए F12 प्रेस करना है और यहाँ पे नीचे आइएगा ना, तो शो ऑल टाइप्स ऑफ GST टैक्स, इसको यस कर दीजिएगा तो सब दिखाई देने लगेगा, ठीक है। यहाँ से टैक्सेबल कर दीजिएगा और यहाँ पर मान लीजिए हम 5% लगा देते हैं, ठीक है। अब अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो हर प्रोडक्ट पे क्या टैक्स आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल बाय डिफॉल्ट मैंने 5% लगा दिया। अब बाहर आ गए, यहाँ से बी बटन प्रेस किया, आ गए परचेज में। अब यहाँ पर 677 नंबर का जो बिल था वो हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे कैश कर देते हैं इस बार, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये GSTIN रेगुलर करते हैं तो रेगुलर डाल दीजिए और यहाँ पे जो भी आपका GSTIN हो वो यहाँ पे GSTIN नंबर आ जाएगा और यहाँ पे परचेज का लेजर आएगा। तो लेजर बनाने के लिए मैंने शॉर्टकट क्या बताया था, अल्ट सी, तो अल्ट सी करके यहाँ पे लिखिए परचेज इस तरीके से और यहाँ पे अकाउंट कर दीजिएगा, एंटर कीजिएगा यहाँ पे पी प्रेस कीजिएगा परचेज अकाउंट के लिए, तो ये परचेज अकाउंट हो जाएगा, एंटर कीजिएगा और यहाँ पर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिएगा, इस तरीके से एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम नहीं बना, तो स्टॉक आइटम भी बनता कहाँ से है, गेटवे ऑफ दिल्ली से, लेकिन हम यहाँ से भी स्टॉक आइटम बना सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखिए कई बार दिक्कतें क्या होती हैं कि ये नेम ऑफ आइटम जो दिख रहा है ये नहीं नजर आता है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर्टिकुलर नजर आएगा, तो ना यहाँ यूनिट दिखाई देगी और ना यहाँ नेम ऑफ स्टॉक आइटम दिखाई देगा। और कभी कभी तो और दिक्कत तब हो जाती है जब यहाँ एज वाउचर आ जाते हैं, तब यहाँ डेबिट क्रेडिट आने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको आइटम इनवॉइस मोड में ही रहना है, ठीक है। अगर आप आइटम इनवॉइस मोड में नहीं रहेंगे तो ये सब चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो एंटर कीजिए और फिर आइटम इनवॉइस मोड में आ जाइए और यहाँ पर आप एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं, लाइक यहाँ पे RICE राइस कर देते हैं, ठीक है। एंटर किया, अब इसमें GST लगा देते हैं अलग से, देखिए मैं अल्ग से GST लगा रहा हूँ, रखेंगे इसको, तो अल्ट सी करके हम डायरेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे सिंपल लिखा है ना। अब यहाँ देखिए KG करते हैं, तो ये हो गया, एंटर करेंगे और यहाँ किलोग्राम कर देंगे, किलोग्राम, ठीक है, और एंटर करेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, केजी करेंगे तो किलोग्राम्स आ जाएगा, तो ये किलोग्राम्स आ रहा है, एंटर करिएगा।
यहां पे 3 कर दीजिएगा, एंटर कीजिएगा, और यहां पर चाहे तो अलग से जीएसटी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे अलग से? यहां पे यस कर देंगे ना, तो यहां पे अलग से भी जीएसटी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहां पर 5% का लगा हुआ था पहले से, लेकिन अभी हम इसको हटाएंगे और यहां 5% के बजाय 10% सेट कर देते हैं, 10%। तो चावल पे 10% हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे क्वांटिटी कितनी है, तो 500 किलो है, 500 किलो, और खरीद रेट क्या है, 30 रुपए। तो 500 किलो के हिसाब से, 500 किलो के हिसाब से 30 रुपए का क्या आया, वो यहां पे आ गया, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हनी करते हैं, हनी, HONEY, हनी, ठीक है। और हनी का ये यहां पे यूनिट केजी में नहीं रहेगा, या केजी ही कर देते हैं, ठीक है, केजी कर देते हैं, ठीक है। एमएल होता है ना, एमएल, हाँ ठीक है, चलिए केजी कर देते हैं, एंटर करते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पर एक अलग जीएसटी लगा देते हैं, 10% लगाया था, इस पे 12% कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे 12% कर देते हैं, ठीक है, समझने के लिए, केवल ऐसा होता नहीं है, लेकिन 12% हम कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसे ऐसे 50 जो है, 50 किलो लिया गया हनी, और 1 किलो की कीमत कितनी है, खरीद रेट 450 रुपए, जैसे मान लीजिए डाल दिया हमने। फिर यहां पे आते हैं अल्सी करके एक और लेकर, किसका, शुगर का, ठीक है। तो ये शुगर कर दिया, अब यहां पे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, जो बंद पैकेट आता है वो शुगर। अब देखिए इस पे भी अलग जीएसटी, इस पे कितना कर देते हैं, 18% कर देते हैं, ठीक है। समझने के लिए केवल, कि हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी लगा के आपको दिखा रहा हूं। और स्टेट सेम ही है, अभी तक क्या है, सेम स्टेट ही रहेगा हमारा। अभी जो हम बनाएंगे, अभी हम पार्टी बनाएंगे, ठीक है। और यहां 60 किलो की बात आएगी, और 1 किलो की खरीद रेट 30 रुपए कर देते हैं, तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या लगेगा, यहां पर सेम स्टेट का मामला, यहां पे जब आपने कैश किया था तो स्टेट उत्तर प्रदेश ही था, और कंपनी बनाते समय भी स्टेट उत्तर प्रदेश था। तो ऐसे में होगा क्या, यहां पे अल्ट सी करके लेजर बनाएंगे सीजीएसटी का, सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंटर करेंगे, और ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो यहां पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर दीजिएगा, और यहां पे जीएसटी कर दीजिएगा, और यहां पे सेंट्रल टैक्स कर दीजिएगा, यहां पे एंटर कर दीजिएगा, यहां पे नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिएगा, और एंटर करके, एंटर करके, और इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो देखिए यहां 2,262.39 रुपए पे टैक्स आ गया सीजीएसटी, लेकिन इसके बाद एसजीएसटी भी लगेगा, क्योंकि जब सेम स्टेट का मामला होता है तो दोनों टैक्सेस आते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, अल्ट सी करके बनाएंगे एसजीएसटी, तो ये एसजीएसटी कर दिया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहां पे जीएसटी ही है, ठीक है। तो ये जीएसटी कर दिया, और ये स्टेट टैक्स रहेगा, ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो देखिए दोनों आ गया है ना, आ गया कि नहीं, अब एंटर करेंगे। अब देखिए यहां पे कैश में किया था हमने परचेज, तो यहां पे द गुड्स, यहां पे लिख देता हूं, नरेशन इस बार डाल देता हूं, हैव बीन परचेज्ड ऑन कैश, ठीक है। रुपीस कितने का खरीदा गया है, कुल मिलाकर 43,824 हुआ है ना, तो यहां पे आप वो भी दे सकते हैं, कितना रुपया आपने ये किया है वो भी यहां पे दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे 4,824 ये हो गया, एंटर कर दिया, इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो ये एक एंट्री हो गई, ठीक है। अब ये एंट्री जब हो गई तो इसको देखेंगे कहां पे, यहां से बाहर आने के लिए एस्केप बटन और गेटवे ऑफ टैली पर आ गए, ठीक है। अब यहां से आने के बाद क्या करेंगे, यहां से आने के बाद आपको यहां पर आना स्टॉक समरी पर। स्टॉक समरी का क्या हाईलाइट दिख रहा है, एस दिख रहा है ना, तो यहां पे स्टॉक समरी आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हमको वो रिपोर्ट देखनी है। तो देखिए डिस्प्ले का क्या हाईलाइट है, डी हाईलाइट है, तो डी प्रेस कीजिए। और देखिए टेबुक का क्या हाईलाइट है, डी हाईलाइट है, तो यहां डी प्रेस कीजिए। तो यहां पे देखेंगे दोनों एंट्रीज हमें दिख रही है, ठीक है। कभी कभी अगर आपको ना दिखे तो यहां से अल्ट F2 करके डेट चेंज कर लीजिएगा, फिलहाल हमें दिख रहा है तो हमें डेट चेंज करने की जरूरत नहीं। यहां पर अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे प्रिंट आउट के लिए, ठीक है। तो यहां अल्ट पी किया, एंटर करेंगे तो यहां पे प्रिंट आउट भी नजर आएगा, ठीक है। इसको हम कहां सेव करते हैं, इसको हम एक काम करते हैं डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, ठीक है। तो यहां पे टैली बिल कर देते हैं, टैली बिल के नाम से सेव करते हैं, टैली बिल, ठीक है। और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं, तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेव हो गया, अब इसको देखना होगा तो हमें डेस्कटॉप पे ही जाके देखना होगा। तो यहां पे देखिए टैली बिल के नाम से आया हुआ है, यही रहा हमारा पीडीएफ। देखिए ये हमारा पीडीएफ है, ये हमारा बिल है, कुछ इस तरीके से ये बिल जनरेट होता हुआ नजर आएगा, देखिए। लेकिन इसमें टैक्स का परसेंटेज नहीं आ रहा है, परसेंटेज कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिखेगा कैसे? तो इसके लिए थोड़ा सा और मेहनत। अच्छा, हर स्टेट का अपना अलग कोड होता है, देखिए उत्तर प्रदेश का क्या दिया हुआ है, 09 दिया हुआ है, ठीक है। तो हर स्टेट का अपना अलग कोड होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं वापिस से,
परसेंटेज तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो परसेंटेज कैसे दिखाई देगा, सबका अलग अलग परसेंटेज भी दिखना चाहिए। तो अल्ट पी करिए और यहां से क्या करना है आपको, यहां से आपको चले चलना है कॉन्फिगर पे। ये कॉन्फिगर पे आएंगे तो यहां पर देखिए जीएसटी वाले सेक्शन में आप जीएसटी आईएन आ ही रहा है, सारी चीजें आ रही हैं। यहां पे प्रिंट जीएसटी परसेंट कॉलम, परसेंट वाला कॉलम नहीं आ रहा है, तो यहां पर डबल क्लिक करिएगा ना तो यहां पे ये यस हो जाएगा, और जैसे ही यस होगा तो यहां पे कंट्रोल ए कर दीजिएगा। अब इसका प्रिंट आउट देख लीजिए आप, ठीक है। अब इसको दोबारा से सेव करना होगा, एक तो वो बिल हो गया, अब यहां पे टी ए के नाम से सेव कर देता हूं, खाली टी ए, टी ए के नाम से इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं, ठीक है। देखिए ये डेस्कटॉप है हमारा, यहीं पे सेव कर दे रहा हूं टी ए के नाम से, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये सेव हो जाएगा तो फिर इसका बिल अब दोबारा देखते हैं, टी ए वाला ये है ना, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए अब इस बार परसेंटेज दिख रहा है कि नहीं, यहाँ 10%, 12%, 18% सब पे अलग अलग लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है, सारी चीजें एकदम क्लियर कट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई स्टॉक आइटम गेटवे ऑफ टैली से ही बनाना हो, या कोई लेजर गेटवे ऑफ टैली से ही बनाना हो, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, तो ये बड़ा आसान है। देखिए यहां से जाएंगे, ठीक है, और यहां पर ये अकाउंट इन्फो है, तो लेजर जब भी बनाना होगा, कोई भी खाता बनाना होगा, लेजर बनाना होगा, जैसे बैंक अकाउंट के लिए लेजर बनाना, तो देखिए यहाँ पे दो चीजें दिखाई देंगी, एक मल्टीपल लेजर, एक सिंगल लेजर, तो फिलहाल सिंगल लेजर बना लेते हैं, ठीक है। इस बार हम क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाएंगे, तो जैसे मान लीजिए एक सौरभ करके, सौरभ होलसेलर कर देते हैं, होल सेलर, ठीक है, तो सौरभ होलसेलर किया और ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या रहेगा इसका, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। ये मैं केवल लेजर बना रहा हूं, ठीक है, और यहां पर ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इन सबको यस रखिएगा और एंटर करते हुए। अब देखिए यहां पर स्टेट मैं चेंज करूंगा, उत्तर प्रदेश के बजाय क्या करूंगा, यहां पे कर दूंगा मध्य प्रदेश। तो यहां पे मध्य प्रदेश जैसे ही करेंगे ना, तो यहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है, बाकी पैन नंबर वगैरह डाल लीजिएगा। तो ये हमने कर दिया, एक लेजर हमने बना लिया, लेकिन अब थोड़ा बाहर आते हैं, यहां से ये बाहर आ गए, ये बाहर आ गए, ठीक है। एक लेजर तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन इसके पहले जो बिल बना था उसमें आपका स्टेट क्या था, जरा देखिएगा, यहाँ पर जो सेव किया है मैंने बिल, उसमें आपका स्टेट क्या दिखाई पड़ रहा है, ये यहाँ पे है, देखिए स्टेट क्या दिखाई पड़ रहा है, जरा देखिए क्या दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है ना, यानी सेम स्टेट की बात है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या स्टेट दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे तो अभी ये तो पुराना बिल है, यहाँ से बाहर आते हैं। अब एक तो लेजर हमने बना लिया, यहाँ से बी बटन प्रेस करके जा सकते हैं, लेकिन इससे भी पहले ये दिखा देता हूँ कि यहां से कैसे स्टॉक आइटम बनेगा। ये गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंटरी इन्फो पे जाएंगे, ठीक है, और यहां पर आकर के ये स्टॉक ग्रुप आप चाहे तो ग्रुप बना सकते हैं, जैसे दाल चावल और जो आपका आटा है या गेहूं है, ये सब एक ग्रुप में आता है, किसमें, ग्रोसरी में आता है, चीनी है, ये सब ग्रोसरी में आएगा, तो आप चाहे तो ग्रोसरी का एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम ग्रुप नहीं बना रहे, आपको दिखा रहा हूं स्टॉक आइटम्स। यहां पे आए, अब हमको मान लीजिए खाली देखना है तो डिस्प्ले पे जा सकते हैं, तो देखिए तीन स्टॉक आइटम बने हुए, तीनों आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं। अब मान लीजिए बनाना हो तब क्या करेंगे, तो एक और स्टॉक आइटम मैं बना के भी दिखा देता हूं, तो क्रिएट पे जाएंगे, ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं कोलगेट टूथपेस्ट, ये लिख दिया कोलगेट टूथपेस्ट, हो गया। अब कोलगेट टूथपेस्ट किलो में तो बिकेगा नहीं, तो यहाँ अलग यूनिट बनानी होगी, तो अल्ट सी करके अलग यूनिट बनाएंगे, ठीक है, तो यहां लिखेंगे 100 ग्राम का, कितना ग्राम लिखेंगे, तो जी एम ग्राम कर देते हैं और फॉर्मल नेम इसका ग्राम हो जाएगा, ठीक है, और एंटर करेंगे और यहाँ पे यूपीसी कोड में क्या आएगा, जी प्रेस करेंगे तो यहाँ ग्राम्स आपको मिल जाएगा, मिल गया, यहाँ 3 कर देते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोलगेट टूथपेस्ट पर अलग से जीएसटी देना हो तो फिर वही काम करेंगे, ठीक है, बहुत आसान है। तो यहाँ ऑन वैल्यू रख करके और यहाँ आएंगे और यहाँ टैक्सेबल करेंगे। अब इस पे मान लीजिए जीएसटी कितना लग रहा है, 5% लग रहा है, तो 5% कर देते हैं इस पर, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कराते हैं, ये एक्सेप्ट हुआ, ये एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। तो यानी एक और स्टॉक आइटम हमारे पास तैयार हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं। अब जब बेचना होगा तो बेच भी सकते हैं, लेकिन अभी हमको क्या करना है, उधार की परचेजिंग करनी है। अब मान लीजिए ये जो कोलगेट वाला प्रोडक्ट है, ये हम कहीं बाहर से मंगा रहे हैं, एमपी से मंगा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर बी बटन प्रेस करके आ जाएंगे परचेज में, और यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर 555 रहा मान लीजिए, ठीक है, और यहां पर सौरभ होलसेलर से ये सारा सामान परचेज किया गया, और इनका स्टेट क्या है, मध्य प्रदेश है, और इनका जो भी जीएसटी आईएन हो वो यहां पे आपको डाल देना है, ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहां पर परचेज का लेजर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे करना आपको ये है कि
जो कोलगेट स्टॉक आइटम बना था उसी का नाम डाल देना है। तो ये कोलगेट डाल दिया हमने। अब मान लीजिए 100 कोलगेट के मंजन मंगाए गए, 100 ग्राम के जो है, यहाँ देखिए ये क्वांटिटी 100 ग्राम आ रही है, ठीक है, आ रही है ना 100 ग्राम। तो हमको 100 पैकेट्स मंगाने थे, 100 पैक्स मंगाने थे, तो यहाँ ग्राम में तो काम बनेगा नहीं, बनेगा तो यूनिट तो गलत हो जाएगी, तो यूनिट सही कैसे करेंगे ये भी एक सवाल। तो यहां से पहले बाहर आ जाएंगे, ठीक है, पैक्स या पैकेट करेंगे, हम पैक्स करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ इन्वेंट्री पे जाएंगे, ये इन्वेंट्री पे आए और फिर स्टॉक आइटम पे आएंगे और फिर उसको अल्टर करेंगे यहाँ से आके। तो कोलगेट टूथपेस्ट था ना, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ना तो ग्राम करना है ना तो ये करना है, तो यहाँ अल्टसी करके एक और यूनिट बनाते हैं, PACK पैक, ठीक है, क्या करेंगे PACK पैक्स कर देते हैं, ठीक है, या PKS कर देते हैं पैक्स, ठीक है, और यहाँ पूरा नाम PACKS कर देते हैं पैक्स, और यहाँ पे UPC कोड पैक्स पैकेट आ जाएगा आपका, देखिए पैक्स आ रहा है तो ये पैक्स आ जाएगा, ठीक है। और डेसिमल ऐसा तो है नहीं कि मंजनवा काट काट के बेचेंगे आप, ठीक है, बिकेगा तो 1-2-3 ऐसे ही बिकेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फिर अलग से GST, फिर अलग से GST कर रहा हूँ, ठीक है, सब सिर्फ दिखाने के लिए आपको, यहाँ पर मैं 2% कर देता हूँ, 2% का भी लगता नहीं है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए 1% कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे चाहे तो क्वांटिटी डाल सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, लेकिन चलिए छोड़िए इसको, हो गया। तो कोलगेट टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, अब यहाँ से बाहर आ जाइए, अब यहाँ से वी बटन प्रेस कीजिए, अब वही 555 नंबर का जो बिल था वो आप एंट्री पास कीजिए। तो ये हमारा सौरभ होलसेलर से परचेज किया गया था, इनका एड्रेस मध्य प्रदेश का है, GSTIN वगैरह डालते रहिएगा, यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पे कोलगेट दे दीजिए, तो ये आ गया कोलगेट, ठीक है, अब आ गया ना। अब यहाँ पे 50 पैकेट ले लिया हमने, 50 पैक्स, ठीक है, और एक की कीमत क्या रही, एक की कीमत रही 90 रुपए या 70 रुपए, मान लीजिए 70 रुपए कीमत रही, तो उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे CGST आएगा क्या, नहीं आएगा, कैलकुलेट ही नहीं होगा, यहाँ पर तो IGST आएगा, डिफरेंट स्टेट का मामला हो गया, तो अल्ट सी करके बनाइए IGST, इस तरीके से IGST हो गया। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एस प्रेस करेंगे, नहीं डी प्रेस करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा ये, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे GST करेंगे और यहाँ पे IGST कर देंगे, हो गया IGST, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके आगे बढ़िए, और देखिए IGST कैसे नहीं कैलकुलेट होता है, हो गया ना 3500 रुपए पे 70 रुपए GST कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मैंने उधार में खरीदा गया, ठीक है, एंटर किया, इसको एक्सेप्ट कराया। अब ये बिल देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे दो बार डी प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए परचेज वाला बिल है, यही 3500 वाला बिल है, और यहाँ पे अल्ट पी करिएगा, एंटर कीजिएगा, यहाँ पे इसको सेव करेंगे कोलगेट के नाम से, कोलगेट के नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही कर देते हैं, ये डेस्कटॉप पे हो गया। और जब ये सेव हो जाएगा तो इसका बिल हमें दिखेगा, तो ये देखिए कोलगेट वाला बिल है, दिख रहा है, यहाँ पे GST भी दिख रहा है कि 2% लगा है, लगा है ना, सिर्फ 2% लगा है GST, ऐसा नहीं कि 4% लग गया है, ठीक है ना। तो ये 2% सिर्फ GST लगा है, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने 2% लगाया, ऐसा लगता नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, अब यहां से इसको बंद करेंगे और यहां वापस से आएंगे अपने एंट्री पर, ठीक है, ये आ गए। अब जब ये उधार की परचेजिंग हुई, तो उधार वाली परचेजिंग आपने देखी कितने रुपए की हुई, 3570, नोट कर लीजिए 3570 की हुई, इससे पहले जो कैश की हुई थी वो कितने की हुई थी, 43,824 रुपए की हुई थी। तो 43,824 का कोई पेंडिंग बिल दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा। अब देखिए जब हम पेमेंट करने जाएंगे, देखिए परचेस करने के बाद हमेशा पेमेंट होता है, तो यहां से वाउचर में जाते हैं और यहां से परचेस करने के बाद पेमेंट पे आ जाते हैं, तो ये आ गए पेमेंट पर। अब यहां पे डेबिट दिख रहा है, तो डेबिट आप किसको करेंगे, जरा सोचिए, आपके पास कोई लेजर ही नहीं है तो किसको डेबिट करेंगे, तो डेबिट तो करने का यहां सवाल ही नहीं होता, आपका कोई बिल बकाया नहीं है, 43,824 रुपए आपने कैश में पेमेंट किया हुआ है, जो भी आपने परचेस किया है वो कैश दे दिया है सीधा सीधा, ठीक है। अब यहां पर होलसेलर पार्टी का जैसे ही लेजर आप इंसर्ट करेंगे, जरा देखिएगा, इंसर्ट किया तो यहां 3750 तुरंत बकाया निकल जाएगा। मान लीजिए कि आपने 3700 दे दिया, देखिएगा जरा, सॉरी 3500 है, सॉरी, तो यहां 3500 रुपए मान लीजिए आपने दे दिया, तो यहां तुरंत कर्सर किस पे आएगा, AGST रेफरेंस पे आएगा, ये अगेंस्ट रेफरेंस है, और यहां पर बिल विल सब शो हो जाएगा, 555 नंबर का बिल था, मैंने बताया ही था आपको। तो ये हो गया, एंटर किया। अब यहाँ पे ये पैसा कैसे देंगे आप, कैश में देंगे, बैंक से देंगे, तो फिलहाल हमारे पास कैश है, कैश ही दे देते हैं इनको, ठीक है, आप चाहे तो बैंक से भी दे सकते हैं, ठीक है। कितना पे हो रहा है, 3500 पेड, PAID, तो ये पेड कर दिया, ठीक है।
अब मान लीजिए इनका लेजर दोबारा यहां पे लगाते हैं पेमेंट के लिए, तो यहां पे देखिए यहां पर इनका 70 रुपया ही बकाया है, तो ये इस तरीके से शो करेगा। समझ में आ रही है बात? तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, क्या हम इस पे यूटी जीएसटी लगा सकते हैं? क्या कोई ग्राहक ऐसा हो या कोई कस्टमर ऐसा हो जो आया हो अंडमान निकोबार से, तो क्या उस पे यूटी जीएसटी लगाया जा सकता है? यूटी माने यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या उस पे यूटी जीएसटी अप्लाई होगा? नहीं अप्लाई होगा। कैसे? चलिए देखते हैं एक बार। यहां पर आते हैं और यहां पर सेल्स की बात करते हैं। आप सेल्स में आ गए, अब हम बेचेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? खरीद रहे थे, अब हम बेचने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे 678 रेफरेंस नंबर डाल दिया और यहां पर आएंगे तो यहां पर तो हमको बेचना है, तो कैश में नहीं बेचेंगे। ठीक है, ऑल्ट सी करके हम एक लेजर बनाएंगे अमन, और ये कहां से आए हैं, और ये डेटर पार्टी है, पहचान के लिए मैंने डी लिख दिया है। ठीक है, और यहां पर इनका ग्रुप क्या रहेगा? सन्ड्री डेटर। ठीक है, तो यहां से सन्ड्री डेटर करिएगा और यहां पर एंटर एंटर करके एंटर करके, अब देखिए यहां पर मैं अंडमान निकोबार करने वाला हूं। ये अंडमान निकोबार से आए थे, सामान खरीद के ले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा समझिए। ठीक है, एंटर किया तो अब ये हो गया। अब ये बड़ा सा ये इस तरीके से खुल जाएगा। अब इसमें पूरा डिटेल आप भर लीजिएगा। ये अंडमान निकोबार, इनका तो कोई जीएसटी आईएन होगा नहीं भाई, ग्राहक का कौन सा जीएसटी आईएन होता है। अब यहां पे सेल्स का लेजर आएगा, तो अल्ट सी करके सेल्स का लेजर बना लीजिएगा। ये सेल्स का लेजर बना लिया और ये किस में जाएगा? अंडर सेल्स अकाउंट जाएगा। तो यहां पे सेल्स अकाउंट कर दीजिएगा, एंटर कीजिएगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अब मान लीजिए इनको आप क्या बेच रहे हैं? हनी बेच रहे हैं, हनी। ठीक है, तो कितने में बेच रहे हैं आप? तो जैसे मान लीजिए कि हनी का जो 1 किलो का था 350 का खरीद रेट पड़ा था, हम इसको 500 में बेचेंगे। कितने का बेचेंगे? क्वांटिटी एक लिया इन्होंने, तो हमने कितने में बेचा? 500 में। इसमें जीएसटी तो आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, हमने चुकाया जीएसटी तो हम भी तो जीएसटी लेंगे, तो जितने में बेचेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी का प्रयास करते हैं, तो सीजीएसटी तो कैलकुलेट नहीं हुआ, यानी सीजीएसटी तो लगेगा नहीं। आईजीएसटी देखते हैं, तो देखिए तुरंत आईजीएसटी कैलकुलेट हो जा रहा है, लेकिन यूटीजीएसटी नहीं लगेगा। मैं दिखाता हूं कैसे। यहाँ पे अल्ट सी करके अगर आप यूटीजीएसटी का एक लेजर क्रिएट कर देते हो, ये देखिए यूटीजीएसटी। ठीक है, और ये जाएगा किसमें? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, एंटर किया, यहाँ पे जीएसटी है। अब देखिए यहाँ पे यूटीजीएसटी आपको नजर ही नहीं आएगा। नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। कब नजर आएगा? उसके पीछे की कहानी भी मैं आपको सुनाता हूँ, अभी पूरा बताता हूँ डिटेल। ठीक है, नरेशन वगैरह डाल लीजिएगा। और यहाँ जो अच्छा, ये जरा ध्यान दीजिएगा, कितने का आपने सेल किया है? जरा देखिए यहाँ पर सेल कितने का किया है, जरा देखिए। 560 रुपए का हुआ, 60 रुपया जीएसटी लग गया। तो 560 रुपए का जो सेल किया, इसका पैसा लेना भी तो है। अभी सेल करते समय आप पैसा रिसीव करेंगे। कैसे रिसीव करेंगे? देखिए वी बटन प्रेस करेंगे और रिसिप्ट वाउचर में चले जाएंगे F6 प्रेस करके। अब यहाँ क्रेडिट आ रहा है, तो अमन ने ही सामान खरीदा था, तो ये पैसा हमको देंगे ना? तो पैसा देंगे तो कितना पैसा देंगे? 560 रुपया। तो 560 रुपया जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे और ये हमको कैश में दे रहे हैं, हो सकता है पेटीएम करे, फोन पे करे, गूगल पे करे, कुछ ऐसा करे, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ कैश कर देते हैं, फिलहाल ये कैश कर दिया। और यहाँ पर नरेशन डाल सकते हैं आप चाहे तो। अब यहाँ पर जब हम दोबारा पेमेंट अमन से रिसीव करने जाएंगे, तो अमन का बैलेंस क्या हो गया? यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, यानी इन्होंने पूरा पैसा दे दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब यूटी जीएसटी की बात आती है कि यूटी जीएसटी कैलकुलेट कैसे होगा। ठीक है, तो यूटी जीएसटी में समस्याएं बहुत सारी हैं। अगर आपकी कंपनी अगर यूनियन टेरेटरी से बिलोंग नहीं करेगी, तो वहां यूटी जीएसटी नहीं लगेगा, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक कंपनी मैं बनाता हूँ, अल्ट F3 करके यहाँ पर एक नई कंपनी बना रहा हूँ। ठीक है, ये तो पुरानी कंपनी रही, न्यू लाइट कंपनी आपकी। ठीक है, और यहां पर यूनियन कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाता हूं, यूनियन कंपनी हो गया। एंटर किया और यहां पे एड्रेस डाल देंगे, एंटर करेंगे और यहां पर क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश करेंगे। क्या करेंगे? अंडमान निकोबार कर देते हैं। ठीक है, और यहां पिन कोड वगैरह जो भी इसका होता है वो डाल देंगे, और यहां पर आके सारा डिटेल तो आपको पता ही है, इसको एक्सेप्ट करा लिया। जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो इस तरह का हमारे सामने आ जाएगा। अब यूनियन कंपनी में हमें एंट्री पास करनी है, तो चलिए हम एक बार परचेस करके देखते हैं इस पे क्या लगता है। ठीक है, हमने अभी कोई पैसा रिसीव नहीं कराया है, हमें पेमेंट करने का भी इरादा नहीं है, बस आपको सिखाने का इरादा है, इसलिए जल्दी से आ जाता हूं कहां? परचेस में। तो परचेस में आने के लिए आपको F9 प्रेस करना है, या यहां पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहां पर सप्लायर द्वारा जो बिल मिला है उसको यहां पे डाला हमने, और यहां पर क्या करेंगे? एक पार्टी बनाएंगे। कौन सी पार्टी बनाएंगे? जैसे मान लीजिए मैंने पार्टी का नाम लिख दिया गौरव सप्लायर। ठीक है,
एंटर किया, एंटर किया और यहां पे ये सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर ये आ गया। मेंटेन बैलेंस यस करेंगे और यहां पर सप्लायर इंडिया का है और कहां का है, अंडमान निकोबार आइसलैंड का है, ठीक है। यहां पे आए, एंटर किया, एंटर किया, ये हो गया। अब यहां पे क्या आएगा, परचेस का लेजर आएगा, तो पी यू आर सी एच ए एस ई परचेस कर दिया आपने, एंटर किया, एंटर किया, ये परचेस में चला जाएगा, ठीक है। ये परचेस हो गया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कराएंगे, एक्सेप्ट हो गया। अब यहां पर जो सामान हमें परचेस करना है उसकी लिस्ट तैयार करनी होगी, अर्सी करके तैयार कर सकते हैं या गेटवे ऑफ पहली पे जाके तैयार कीजिए, दोनों हो सकता है। तो यहां पे हम करते हैं लाइक ये आर आई सी ई राइस करते हैं, ठीक है। राइस वाइस वहां पे होता नहीं है तो बाहर से मंगाया जाता है। तो ये देखिए यहां पे आए और यहां पे क्या करेंगे, यहां पर नाम डालेंगे, जैसे आइटम राइस करेंगे तो यहां केजी कर देते हैं सिंबल, और यहां किलोग्राम कर देते हैं, किलोग्राम हो गया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहां पे के प्रेस करेंगे तो यूक्यूसी कोड आ जाएगा, यूनिट क्वांटिटी कोड। तो किलोग्राम करके यहां थ्री करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा, ठीक है। अब यहां पर सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल है तो इसको अभी क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। और यहां पर ये हमने बना लिया, तो अभी तो जीएसटी कैलकुलेट होने से रहा क्योंकि हमने जीएसटी एक्टिवेट ही नहीं किया। चलिए हमने स्टॉक आइटम तो बना लिया, अब बाहर आ जाते हैं, अभी हम पहले जीएसटी चालू करेंगे। तो यहां से F11 प्रेस करेंगे और यहां से स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाएंगे, यही हमारी कंपनी है। यहां पे जीएसटी को यस करेंगे और यहां पे यस करने के बाद एंटर करेंगे, यहां पर आएंगे, ये सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल, यहां पे यस करेंगे तो ये अंडमान निकोबार आ रहा है। मंथली हम जीएसटी फाइल करेंगे, हमारा जीएसटी आईएन नंबर जो भी है वो यहां पे दे देने वाला हूं मैं, ठीक है, ये दे दिया। यहां पे आए, यहां पे यस कर देंगे, ये यस किया तो अभी देखिए यूटी टैक्स आपको दिखने लगा, पहले नहीं शो हो रहा था। तो जब अंडमान निकोबार या इस तरह के किसी जगह की बात आएगी तो आप वहीं पे यूटी टैक्स लगा सकते हैं, अन्य किसी जगह यूटी टैक्स लगा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ गए और यहां पर क्या होगा, सीजीएसटी और यूटी जीएसटी दोनों लगेगा, ठीक है। सीजीएसटी भी लगेगा, ऐसा नहीं कि सीजीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए 18% का टैक्स लगा देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो ये हो गया, अभी जैसे समझने के लिए मैंने लगाया तो यहां पे देखिए हुआ क्या, 18% इंटीग्रेटेड टैक्स लग गया, यानी कोई बाहर से आएगा तो। और अगर सेम स्टेट की बात है तो 99% के हिसाब से जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी डिवाइड हो जाता है वैसे ये भी डिवाइड हो गया, हो गया ना। एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे, हो गया, कंट्रोल ए कर देंगे, कंट्रोल ए कर दिया। अब यहां से बाहर आ जाइए, बाहर आ गए, अब यहां पे एंट्री पास करने चलते हैं परचेज में, ठीक है। तो ये किया, यहां पे आए, यहां पे सप्लायर का नाम आ गया, सप्लायर कहां का है वो भी डिटेल आ गया, परचेज कर दिया और हमने क्या लिया था, राइस लिया था, राइस आ गया। तो 56 किलो राइस की बात कर रहे हैं और 1 किलो राइस की कीमत 40 रुपए खरीद रेट, ठीक है। तो इससे ज्यादा का ही बेचेंगे तो यहां देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी का एक लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो सीजीएसटी कर दिया, एंटर किया, क्या पता सीजीएसटी कैलकुलेट हो जाए, एक बार चेक कर लेते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी और यहां सेंट्रल टैक्स आ गया, सीजीएसटी, सीजीएसटी तो कैलकुलेट हो जा रहा है। अब देखा जाए एसजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं, तो एसजीएसटी भी बना लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो यहां पे आए ड्यूटीज एंड टैक्सेस और यहां पे जीएसटी आ गया और यहां पे देखिए एसजीएसटी कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यानी यहां पे क्या लगेगा, यूटी जीएसटी लगेगा। तो यहां पे आप यूटी जीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ गया ना। तो ये यूटी जीएसटी लगाने का तरीका है, ठीक है, हो गया। अब इसका बिल कैसा दिखेगा यूटी जीएसटी वाले का, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा यूटी जीएसटी, अल्ट पी करके एंटर कीजिए और इसे मैं यूनियन टेरिटरी के नाम से सेव कर रहा हूं, ठीक है। सेव हो गया, यूनियन टेरिटरी कहाँ गया, ये रहा। अब इसका बिल देखिए, देख रहे हैं 18% जीएसटी लगा है ना, और क्या लगा है, यूटी जीएसटी लगा, ठीक है। समझ में आ गया ना पूरा डिटेल, कोई दिक्कत है।